शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई से लौटने के बाद विलगीकरण में रहते जांच की गई, तब दो कोरोना बाधित पाए गए। तहसील सिरूड़ में विलगीकरण में थे, रिपोर्ट के अनुसार पति पत्नी कोरोना के सकारात्मक होने का अहवाल प्राप्त हुआ है। मुंबई चेंबूर से कुल 5 व्यक्तियों के आने की सूचना मिली थी। स्वैब जांच के लिए 50 नमूने लिए गए थे, इसमें पति पत्नी कोरोना संक्रमित निर्देश में आए। यह पता चला कि उनमें से 3 के अहवाल कोरोना बाधित नहीं है, यह भी सिद्ध हुआ। प्रशासन को सूचना मिलते ही सुबह 3 बजे सिरूड़ गांव को यातायात के लिए सील कर दिया गया। कोविड प्रतिबंधक कार्रवाई युद्ध स्तर पर शुरू है। सिरूड़ ये गांव हिंगनघाट शहर से 5 किलोमीटर अंतर पर है। नजदीकी गाँव का सिरूड़ से संपर्क आने का संसर्ग हो सकता है, इसकी विशेष दक्षता आरोग्य प्रशासन की ओर से ली जा रही है। डॉक्टर कीर्ति दिघे, तहसील चिकित्सा अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी चंद्रबान खंडाइत, तहसीलदार श्री राम मुंदड़ा, सवर्ग विकास अधिकारी अशोक खांडे आदि परिस्थिति पे नियंत्रण रखे हुए है। त्यानंतर त्यांना होम क्वारंटाईन आपण केलं। होम क्वारंटाईन केल्यानंतर शासनाच्या गाईडलाईन्सनुसार आपण त्यांना ते मुंबईवरून आले आहेत या कारणामुळे आपण त्यांचे स्वॅब आपण पाठवले, त्यांना हिंगणघाट इथे आपण पाठवले। आणि त्यानंतर काल दिनांक 25 मे रोजी त्यांचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह असा आला। आणि त्यानंतर आपण जे 2 पॉझिटिव्ह पेशंट आणि सोबत घरातले जे 8 लोक होते त्यांचे देखील नमुने आपण पाठवले होते, बट जे 8 लोक आहेत त्यांचे नमुने जे आहेत ते निगेटिव्ह आलेले आहेत। आणि जे मुंबईवरून पती पत्नी येथे आले, सिरूड येथे आले, ते पॉझिटिव्ह मिळाले, त्यामुळे त्यांना आपण सेवाग्राम कस्तुरबा रुग्णालय सेवाग्राम इथे हलविले आहे। सध्या ते तिथे उपचार घेत आहेत आणि घरातले इतर 8 लोकांना उपजिल्हा रुग्णालय हिंगणघाट येथे आपण उपचारासाठी आणि पुढच्या तपासणीसाठी आपण त्यांना हिंगणघाट येथे पाठवले।